ऋतिक रोशन स्टारर विक्रम वेदा जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। फैंस को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार है। इस फिल्म से ऋतिक 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिलहाल विक्रम वेदा की पूरी टीम फिल्म का जोर शोर से प्रमोशन करने में जुटी है। इसी बीच फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। फिल्म के हिंदी भाषा में टिकट बिक्री की शुरुआती आंकड़े भी अब सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स की माने अब तक फिल्म के 100 टिकट बिक चुके हैं, जिससे फिल्म को 30,000 रुपये की कमाई हुई है। बता दें कि यह अभी शुरुआती आंकड़े हैं, आने वाले समय में फिल्म की टिकट बिक्री के आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऋतिक के अलावा इस फिल्म में सैफ अली खान भी अहम किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। हाल ही में ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। गैंगस्टर के लुक में ऋतिक को देखकर दर्शक हैरान रह गए थे। वहीं ट्रेलर में सैफ का भी दमदार अंदाज देखने को मिला था। बता दें कि विक्रम वेदा तमिल भाषा की इसी नाम से बनी फिल्म का हिंदी रीमेक है। दोनों फिल्मों का निर्देशक पुष्कर गायत्री ने किया है। साउथ की विक्रम वेदा को लोगों ने खूब प्यार दिया था। इस फिल्म में ऋतिक वाला किरदार विजय सेतुपति ने निभाया था, वहीं सैफ के किरदार में आर माधवन नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर हम ऋतिक के वर्क की बात करें तो आखिरी बार ऋतिक फिल्म वॉर में नजर आए थे। इस फिल्म में वह टाइगर श्रॉफ के साथ दमदार एक्शन करते दिखे थे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। टिकट खिड़की पर वॉर ने कुल 317 करोड़ की कमाई की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।